आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। ग्रेटर नोएडा के चारशा थाना क्षेत्र स्थित एनटीपीसी चोना गांव में पशु चोरी करके भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसमें एनटीपीसी चारशा पुलिस बाल बाल बची। चारशा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि 3 बदमाश मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से 3 तमंचे और जिंदा कारतूस समेत चोरी की पिकअप बरामद की, जिसमें 2 पशु भी मिले हैं। गोरखपुर जिले में एक पुलिसकर्मी ने अपने बेटे की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल को हिरासत में लिया था। अब बताया जा रहा है कि मृतक आरोपी की दूसरी पत्नी का बेटा था, जो दीपावली से पहले पिता से पैसे लेने आया था, लेकिन अपना हक मांगने पहुंचे बेटे को पिता ने तैश में आकर गोली मार दी। सीओ ने मृतक की बहन से मुलाकात की, जिसका कहना है कि भाई की हत्या किसी साजिश के तहत की गई है। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र स्थित बंदारा के पास तेज रफ्तार अल्कोहल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके चलते ट्रक में भीषण आग लगने से ट्रक जलकर खाक हो गया। इस घटना में 3 लोग बुरी तरह झुलसे हैं। ट्रक में आग के चलते नेशनल हाईवे कई घंटों तक बाधित रहा। पूरा मामला रोजा थाना क्षेत्र के जमुका के पास का है। बाराबंकी में विश्वविख्यात हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगने वाले 10 दिवसीय मेले का समापन हो गया। जो रब है वही राम है का संदेश देने वाले हाजी वारिस अली शाह के वालिद सैयद कुर्बान अली शाह की याद में देवा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका समापन सीडीओ मेधारूपम ने आतिशबाजी के साथ किया। इस दौरान देवा ऑडिटोरियम फूलों की होली से रंग गया। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में बीती 16 अक्टूबर को व्यापारी नेता और सभासद पति असलम खान की दिनदहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के 9 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष अनूप शुक्ला ने एसपी सिटी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 50 लाख आर्थिक मदद दिए जाने की मांग उठाई। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कस्बा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री रामविलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंस की छात्राओं ने स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान किया। प्रभारी अधीक्षक आर के सिंह ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। वहीं प्रिंसिपल रविराज मीणा ने बताया कि हर साल जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करते हैं। महोबा में बने फायर स्टेशन की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। आए दिन होने वाले अग्निकांड से जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी महज 4000 लीटर की क्षमता वाले वाटर टैंक पर है। जनपद में 3 विकास खंड होने के बावजूद शासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। खस्ता हाल 91 मॉडल का ये फायर टैंकर आधुनिक युग से काफी पीछे है। बड़ी खराबी आने पर इसके पुर्जे आसानी से नहीं मिलते। इस अग्निशमन वाहन में ना तो पावर स्टेयरिंग है और न ही पावर ब्रेक। नई दिल्ली के थाना मुखर्जी इलाके में लॉ फैकल्टी के छात्रों ने खूब हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि डीजे चलाने को लेकर विवाद बढ़ा तो छात्रों और हाउसफुल कैफे के बाउंसर सामने सामने आ गए। आरोप है कि कैफे के सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों पर हमला कर दिया, जिससे गुस्सा छात्र धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने के बाद मुखर्जी नगर की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। रामनगर में नगरपालिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दीपावली पर जहां साफ सफाई होनी चाहिए उसके बिल्कुल उलट नगरपालिका द्वारा तवालदे इलाके में कूड़ा फेंका जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। अब नगरपालिका ने पुछड़ी गांव में कूड़ा फेंकने के लिए लीज पर जमीन ली, जिसका पुछड़ी के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नगरपालिका कूड़ा कहां डंप करे। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।